ये देखिए कितनी थिक और इसका कितना क्रीमी टेक्सचर रेडी हुआ है। सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना फ्री है, बेल आइकन दबाएं न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भाविका'स किचन। मैं हूँ भाविका चावला। मैं लेती हूँ कोल्हापुर में कुकिंग और बेकिंग क्लासेस। आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही स्पेशल सी रेड चटनी है, जो बहुत ही वर्सेटाइल चटनी है। काफ़ी चीज़ों के साथ आप उसे एंजॉय कर सकते हैं। हमारा ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए, मैं आपको बताऊंगी इस चटनी को किस किस के साथ एंजॉय किया जाता है। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने ली है कश्मीरी रेड चिली। ये चिली से कलर बहुत अच्छा आता है, लेकिन ये टेस्ट में तीखी नहीं होती है। आपको 8-10 कश्मीरी रेड चिलीज लेनी है और इसे हमें सोक करके रखना है गर्म पानी में। इसे हम सोक करके रखेंगे गर्म पानी में अराउंड 1 घंटे के लिए। ये मैंने पैन रख दिया है गर्म करने के लिए। इसमें मैं डालूंगी ऑयल। अब मैं ये डालूंगी तिल, ये है सेसमी सीड्स, 2 टेबलस्पून। इसके साथ ही हम डालेंगे कड़ी पत्ते, ये डालूंगी मैं 6-7 कलियां लहसुन। इसे हम अच्छे से सौते कर लेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी ये 1 प्याज स्लाइस किया हुआ। हमें इसे 6 से 8 मिनट तक पकाना है, इसके बाद हम इसकी चटनी रेडी करेंगे। लेकिन हमें ऑनियंस को कंप्लीटली ब्राउन नहीं करना है। देखिए ये मिक्सचर मैंने सौते कर लिया है, इसे थोड़ा ठंडा करके अब मैं इसे मिक्सर में डाल दूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी ये 3 टेबलस्पून रोस्टेड चना दाल, ये है 1 छोटा सा टुकड़ा इमली का, ये सॉल्ट स्वाद अनुसार डालेंगे, ये है नारियल का बुरादा डेसिकेटेड कोकोनट। अगर आपके पास फ्रेश नारियल है तो वो भी आप ये 1 कप भर के डाल सकते हैं। ये मैं डेसिकेटेड कोकोनट डाल रही हूँ। और अब मैं इसमें डालूंगी ये कश्मीरी लाल मिर्च, जिसे मैंने सोक करके रखा था गर्म पानी में 1 घंटे के लिए। इसे सोक करने से ये सॉफ्ट हो जाती है, बिकॉज ये ड्राइड रेड चिलीज होती है, इसे आप ग्राइंड नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको सोक करना जरूरी है। और यही पानी भी हम थोड़ा सा ऐड कर लेंगे। अब मैं इस चटनी को ग्राइंड कर लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने चटनी को ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए कितनी थिक और इसका कितना क्रीमी टेक्सचर रेडी हुआ है। इसकी इसी थिक और क्रीमी कंसिस्टेंसी की वजह से आप इसे डोसे के ऊपर स्प्रेड करके खा सकते हैं, या आपके पास अगर लेफ्ट ओवर इडली है तो आप इसी चटनी से मसाला इडली भी बना सकते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, रेडी हो गई हमारी रेड चटनी। इसे आप इंजॉय कर सकते हैं इडली, डोसा, वड़ा, उत्तपम, अप्पे, किसी भी साउथ इंडियन फूड के साथ। ये बहुत अच्छी टेस्टी लगती है, इसे आप किसी भी पराठे के साथ भी खा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।
हमें ज़रूर कमेंट करें, अपना फीडबैक दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं हमारे न्यू लेटेस्ट वीडियो की अपडेट के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।